For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Hello friends, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में मैं आपको डाइट चार्ट शेयर करूंगी. जब बेबी आपका 7 to 8 months में रहता है तो क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसा शेयर किया था डाइट चार्ट कि जब बेबी 6 to 7 months में रहता है तो क्या देना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए खाना और कितनी बार देना चाहिए, तो सेम प्रोसेस में आप ये कुछ मैं जो डाइट चार्ट है मैं शेयर करूँगी वो आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा कि वो आप 7 to 8 months में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप अर्ली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का मैंने डिनर तक का बिल्कुल बनाया है कि आप क्या क्या दे सकते हैं. तो चलिए मैं आपको फर्स्ट बता दूँ, आपके स्क्रीन पर भी वो आ रहा होगा. जैसा कि अर्ली मॉर्निंग जब बेबी जागता है तो वो उस वक्त भूखा रहता है, तो उस वक्त आप ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हैं तो वो आप ऑफर करिए या फॉर्मूला आप बना के दे सकते हैं. उसके बाद एटलीस्ट 2 hours का गैप रख सकते हैं, 2 and 2.5 hours का, क्योंकि ऑलमोस्ट बेबी जब दूध ले लेता है तो उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा और अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी बेबी अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह लेगा. तो ब्रेकफास्ट में आप उसको बहुत तरह का चीज़ दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस पे कुछ लिस्ट आउट बनाया है उसके ब्रेकफास्ट के लिए. फर्स्ट है कि आप उसको ओट्स बना के दे सकते हैं. मैंने ऑलरेडी 6 months वाले में बताया था कि आप ओट्स कैसे बनाएंगे. ओट्स को बस आप अच्छे से बॉयल कर लीजिए, बिल्कुल पक जाए तब उसमें आप चाहिए तो फॉर्मूला मिला के दे सकते हैं. उसके साथ साथ सूजी का उपमा आप बना के दे दीजिए, उसमें एटलीस्ट सॉल्ट मत ऐड कीजिए, बाकी आप वेजी वगैरह तो खुद वो सूजी के साथ ही वो अच्छे से बॉइल्ड जैसा हो जाएगा, या आप अलग से चाहिए तो उसमें बॉइल्ड वेजीज भी डाल सकते हैं, कैरेट डाल दीजिए, तो आप पीज़ को मैश करके डाल दीजिए तो वो आप डाल सकते हैं. उपमा जैसा हम बनाते हैं उसमें पीनट डाल देते हैं, तो पीनट मत डालिए क्योंकि पीनट में से बहुत बेबीज को एलर्जी रखी होती है, तो उस वक्त एटलीस्ट अभी के टाइम पीनट इंट्रोड्यूस करना सही नहीं है, तो वो आप अभी मत दीजिए. उसके साथ साथ अब आप कर्ड स्टार्ट कर सकते हैं. 7 to 8 months में ऑलरेडी कर्ड बहुत अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है बेबी को देना और वो काफ़ी हेल्दी रहता है, तो प्लेन कर्ड से आप स्टार्ट कीजिए. कोई भी फ्लेवर उसमें मत ऐड करिए कि ताकि अगर कोई कर्ड वगैरह से उसको एलर्जी होगी तो वो आप समझ सके कि उससे किस चीज़ से एलर्जी हुई है. तो कर्ड में अभी के टाइम कुछ भी मत ऐड करिए, कोई भी फ्रूट मत उसमें ऐड करिए, सिर्फ आप उसको प्लेन कर्ड दीजिए. आप बिल्कुल सॉफ्ट आलू पराठा बना के दे सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट जिसमें आलू ज़्यादा हो और आटा थोड़ा कम करके, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हाथ में भी आप डालें तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, तो वो आप उसको दही के साथ डिप करके दे सकते हैं. मूंग का चीला एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आता है, जैसे मूंग दाल आपने 6-7 months पे मैंने बताया था कि मूंग दाल आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वैसे ही आप मूंग का चीला बना के उसको ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट बना के दे सकते हैं, उसको भी आप दही के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये आपने कुछ भी आप ब्रेकफास्ट में अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, आपको क्या मन है बनाने का, ये मैंने तो अपना लिस्ट बताया, इसमें से आप कुछ भी एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर लीजिए कि आज मुझे ये बनाना है, वो आप ऑफर कर सकते हैं बेबी को. अब एटलीस्ट 2-3 hours में फिर 11 o'clock आप कोई फ्रूट ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि होता क्या है कि जब सॉलिड फूड स्टार्ट बेबी कर लेता है तो फ्रूट बिल्कुल समझिए कि कम हो जाता है, क्योंकि लगता है कि अभी ये उपमा बना दिया, चीला बनाया, तो फ्रूट एक बैग में चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्रूट का कहीं ना कहीं उसको आपको एडजस्ट करना है, या तो आप लंच में भी थोड़ा सा दे दीजिए, स्नैक्स में शाम में दे दीजिए, या अर्ली ब्रेकफास्ट में ही दे सकते हैं, तो फ्रूट को आप मत कहीं हटाइए. तो फ्रूट आप कोई भी फ्रूट अपने हिसाब से आप उसको वैसे ही बॉयल करके प्यूरी बना के दे सकते हैं. उसके बाद आप फ्रेश वेजीज का कुछ भी आप चाहिए तो फ्रेश वेजीज बना के दे सकते हैं. फिर फ्रेश जूस कुछ बना के आप दे सकते हैं बेबी को. कोकोनट वाटर एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है, वो आप बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. चिया सीड्स प्योरी मैं देती थी अपने बेबी को, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, वो मैं मार्केट से वो प्योरी मिलता है वो मैं उसको ला कर देती थी, तो वो काफ़ी अच्छा उसको पसंद आता था, वो आप दे सकते हैं. उसके बाद एटलीस्ट 2 hours का गैप रखते हुए आप 1 o'clock to 1:15 के अराउंड आप खाना उसको यानी लंच आप देंगे, तो लंच में आप वैसे ही खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएं,
प्लेन खिचड़ी बना दिया या उसमें वेजीज वगैरह डाल के बना दिया, मेक श्योर कीजिए कि खिचड़ी अगर बना रहे हैं तो उसमें भी सॉल्ट वगैरह नहीं ऐड करना है आपको, किसी भी चीज़ में शुगर सॉल्ट हनी वगैरह नहीं ऐड करना है। कर्ड राइस बना दीजिए, राइस बनाया और उसी में दही मिक्स करके दे दीजिए। वो ये दही वाला जो कर्ड राइस मैंने बताया है वो जब आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपके बेबी को किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है दही से, तब आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उससे एलर्जी नहीं है तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मत इसको ये ऑप्ट करिए बेबी को देने के, स्टार्टिंग में बिल्कुल प्लेन दही दीजिए। अगर वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, किसी तरह की एलर्जी नहीं होती है, तब आप उसको कर्ड राइस बना के दे सकते हैं। वेजीज विथ पुलाव यानी सब्जी जो आप बनाएंगे, कोई भी सब्जी, लौकी बना लिया, तुरई बना ली, उसमें आप राइस मिला के और दाल का पानी मिला के भी आप दे सकते हैं। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि बेबी का भी जो हैबिट है, फूड हैबिट है, वो चेंज हो सकता है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि सब कुछ बना लिया और उसको ब्लेंड भी कर देंगे तो बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में आ जाएगा और बेबी को न्यूट्रिएंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। वो वेजीज भी ले रहा है, राइस भी ले रहा है, दाल भी ले रहा है, बस यही है कि वो थोड़ा प्यूरी फॉर्म मिलेगा तो वो एक अच्छा। इडली, सॉफ्ट इडली आप बना सकते हैं, मैस्ड वेजी कटलेट आप इवनिंग स्नैक्स में उसको दे सकते हैं। जो इवनिंग आप देंगे, शाम को आप जब बेबी सो के लंच के बाद उठेगा तब जो है बेबी को थोड़ा भूख लगी ही रहती है, तो उस वक्त आप मिल्क पहले आप ऑफर करिए, मिल्क को मत हटाइए, मिल्क आप दे दीजिए। मिल्क जब बेबी ले लेता है तब आप ये कुछ मैंने ऑप्शन बताया है वो आप दे सकते हैं। फिंगर फूड दे दिया, अगर आपने फ्रूट मॉर्निंग स्नैक में नहीं दिया है तो इवनिंग स्नैक्स में आप दे दीजिए, कटलेट वगैरह बना के दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप 8 to 8:30 अराउंड आप डिनर में उसको रोटी दाल, वैसे ही दाल बना के और रोटी उसमें तोड़ के और उसको बिल्कुल हाथ से में मैश करके देंगे। रोटी दाल इतना ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो प्योरी फॉर्म में हो, उसको बिल्कुल आप थोड़ी देर पहले आप दाल गर्म कर लीजिए और उसमें रोटी को तोड़ के डाल दीजिए। रोटी अच्छे से उसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो ईजिली आप हाथ से भी मैश करेंगे तो हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। रोटी और फॉर्मूला मिल्क उसको आप मिला के दे सकते हैं। डोंट ऐड काउ मिल्क और बफेलो मिल्क, ये सब आपको मत ऐड करना है। उसके साथ आप वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, वीट क्रैक दलिया मिलता है, वो आप मार्केट से ला के और जैसा आप दलिया बनाएंगे उसमें वेजीज वगैरह ऐड करके आप दे सकते हैं। इसमें आप कर्ड ऐड कर सकते हैं, बट लंच में ऐड करिए, नाइट में ऐड नहीं करिए। और अगर कर्ड भी ऐड कर रहे हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि कर्ड से कोई एलर्जी नहीं है, तब आप कर सकते हैं। सूजी का खीर जैसे कि मैंने ऑलरेडी 6-7 मंथ में भी बोला था कि आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बेबी को, तो ये आप सूजी खीर भी बना के दे सकते हैं। तो ये सब आप कुछ मैंने बताया है कि जब आप डिनर में क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि इसमें से आप स्विच कर लीजिए कि किसको आपको लंच में देना है, किसको आपको डिनर में देना है, किसको आपको मॉर्निंग स्नैक में देना है, किसको आपको इवनिंग स्नैक में देना है। और मैंने लास्ट में ये भी लिखा है कि मतलब आप कहीं पे भी इसमें सॉल्ट, शुगर और हनी मत ऐड करिए, काउ मिल्क इंट्रोड्यूस मत करिए। ये नहीं कि सूजी का खीर बनाया और उसमें काउ मिल्क मिला दिया या फिर बफेलो मिल्क बना लिया। सूजी को बस बॉयल करिए और उसमें पानी मिलाइए और उसके बाद फिर आप उसमें फॉर्मूला मिला सकते हैं ताकि वो बिल्कुल खीर के फॉर्म में हो जाए। मेक श्योर कि उसमें बिल्कुल भी शुगर मत ऐड करिए। तो ये मैंने आपको बताया कि जब आप बेबी 8 to 9 months में रहे तब क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए बेबी को। तो ये मैंने एक डाइट अपने बेसिस पे बनाया था, बट आप अपना भी कुछ ऑप्शन दे कि क्या और बेबी को देना अच्छा है। ये मैंने बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड बनाया है, जो अपने बेबी को मैं देती थी वही मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूँ, तो ये सोचा कि आपको बताऊँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।